हमेशा ये सही तरीका है डालने का। जब से लॉटरी जीती है डैमिंग की, हमने हर जगह स्कैन चालू है डैमिंग कंपनी का, क्या पेमेंट करना है बताओ। कमेंट डाउन बिलो, कैप्टन व्योम लग रहा हूँ नहीं लग रहा, कैसा होता है? पर हम जा रहे हैं बिना बताए उसको, कि उससे मिलने, उसका हाल चाल जानने, पता नहीं कैसा रिएक्शन मिलेगा। बट हाउ मच? वेलकम बैक टू माई ब्लॉग्स, मेरा नाम है संदेश सिंह रावत। और भैया लास्ट टाइम मुझे याद नहीं है कि कब मैं किसी वीडियो गेम के लिए इतना एक्साइटेड हुआ हूँ। मतलब मुझे याद है ऑब्वियसली गॉड ऑफ वॉर रैग्नारॉक करके जो गेम था उसके लिए मैं इतना एक्साइटेड हुआ था, और उसको मिलने में इतनी दिक्कत नहीं हुई थी मुझे। वो गेम मुझे ईजिली मिल गया था, फर्स्ट डे डिस्क मिल गई थी जाते ही शॉप पे। पर इस गेम के लिए भाई बैंकॉक की ऐसी दुकान नहीं होगी कोई गेमिंग दुकान, और 25-30 हैं आराम से हर जगह। मैंने और डेमी ने कॉल करके मैसेज करके पूछा, डेमी हाउ मेनी शॉप्स वी आस्क फॉर दिस गेम, क्रेजी राइट, क्रेजी। और भाई कहीं अवेलेबल नहीं है, प्री ऑर्डर हो चुके हैं, आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, मिल ही नहीं रहा था। लास्ट में MBK पे एक दुकान जिसने ऑलरेडी बोल दिया था कि नहीं यहाँ पे भी प्री ऑर्डर हो चुके हैं, सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक है, वह एकदम लास्ट मोमेंट पे तुम्हारे बाबा को एक दुकान ने कॉल बैक किया और बोला कि भाई अवेलेबल है पर थोड़े पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो नेता बनेगा ही। जो PlayStation 5 की हालत है अभी तक, वो गेमों में भी हो रही है। वो गेम अभी बताता हूँ मैं तुम लोगों को शॉप पे जाके, पहले एक बार हाथ में आने दो मेरे, वो काफी एक्साइटमेंट है उस गेम के लिए मेरी। दिस इज द वन, गॉड ऑफ वॉर हॉगवर्ट्स लेगेसी PS5। अरे वाह, ऑलरेडी रिजर्व कर रखे थे हमने, पेमेंट ऑलरेडी कर दिया था भाई। हॉगवर्ट्स लेगेसी PS5 के लिए, अपना हैरी पॉटर वाला गेम, न्यू डिस्क में। वी ऑलरेडी पेड हिम राइट, ओके, कब उनका टू गेट दिस गेम। हाँ भाई फाइनली इतने सालों बाद एज अ गेम डेवलपर मैं बोल रहा हूँ, और बाकी सारे रिव्यूअर्स ने भी बोला है, इतने सालों बाद हैरी पॉटर का कोई बढ़िया गेम आया। 10 out of 10, 9 out of 10, कहीं पे 9 और 8 से तो कम मिला ही नहीं है इस गेम को स्कोर। इतना शानदार गेम बता रहे हैं यार भाई ये, और मेरे से अब रहा नहीं जा रहा है। आज रात को मेरी लाइव स्ट्रीम है इस गेम की, तो अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, बाबा जिंदा है चैनल मेरा, गेमिंग चैनल है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके फॉलो कर लो। MBK में कोई दिखे ना दिखे, इंडियंस भर के कूट के दिख जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे यू नो ये तो एक वो है ही जगह जहाँ पे आना ही आना है अगर शॉपिंग करनी हो तो। यहाँ पे मतलब एक तरह से मान लो कि ये MBK वो मॉल है, जैसे अगर जयपुर से हो तो उन लोगों को पता होगा रायसर प्लाजा करके, यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है ना, सब कुछ मिल जाता है। या तो नेशनल हैंडलूम ले लो एज एन एग्जांपल, वो मान लो ये MBK, यहाँ पे सस्ते दिखाओ चीज़ें मिल जाती हैं, थोड़ा स्कैमिंग भी होती है तो बच के रहना है। बट यहाँ पे इंडियंस तो दिख ही जाएंगे, इतनी देर में मुझे इतने सारे इंडियंस ऑलरेडी दिख गए यहाँ पे, सब खचाखच भर के ले जाएंगे अपने सूट केस इंडिया। भरा हुआ है भाई, भरा हुआ है, और फ्राइडे नाइट भी है तो ऑब्वियसली लोग आएंगे। भाई क्या शानदार वाला व्यू आ रहा है, मजा आ गया, मजा आ गया। और कुछ ज़्यादा ही मैकडॉनल्ड्स पेल दिया, हमेशा की तरह डैमी अपना मील ख़त्म नहीं कर पाई और तुम्हारे बाबा को पेलना पड़ा, और अब मैं ओवरलोड हो चुका हूँ और मुझे लाइव स्ट्रीम भी करनी है घर जाके, एंड आई एम फीलिंग स्लीपी ऑलरेडी। तो एक कॉफ़ी पे लेंगे घर जाते ही और फिर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे। भाई एक घंटा रह गया मेरी स्ट्रीम पे, जल्दी से गेम की डिस्क डालते हैं, इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा करते हैं, और उसके बाद नहा धो के रेडी हो जाते हैं। भाई मजा आ जाएगा खेलना, आई एम सुपर एक्साइटेड, काफ़ी सारे गेम्स हो गए मेरे पास लाइब्रेरी में। बट दिखा दे भाई डिस्क चल रही है नहीं चल रही, या उल्टी डाल दी मैंने फिर से, हमेशा ये सही तरीका है डालने का। दिखा दो हॉगवर्ड्स लेगेसी का सुंदर सुशील चेहरा, दिखा दो भाई, दिखा दिया। इंस्टॉलेशन हो गया स्टार्ट हॉगवर्ड्स लेगेसी, जाके सब्सक्राइब कर लो, बाबा जिंदा है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, भाई मजा आ जाएगा आज तो रात को खेलने में। मेरी तरफ से हाय बोल दो, डमी से हाय टू देम, लड़की ले लो। नहीं भाई लड़की नहीं लेंगे, बनेंगे तो हम इंडियन बाबा, जैसा है तुम्हारा बाबा वैसे बनाने की कोशिश करेंगे, टकला। गरुड़ द्वार प्लीज, गरुड़ द्वार ही लेंगे। बाल है का टकला वाला कैटेगरी का है? हाँ ये हुई ना हमारी कैटेगरी, ये हमारी कैटेगरी है। ओ वाओ भाई सेम एकदम। ओ भाई लड़ाई पेलम पिलाई, गाइस पेलम पिलाई टाइम, व्हाट द फक, एक्सप्लोजन।
पेलम पिलाई पूरे भाई पेल दिया भाई, क्या जंगल लग रहा है यार। ओ भाई हैरी पॉटर का म्यूजिक, भाई नॉस्टैल्जिक, ये म्यूजिक एकदम नॉस्टैल्जिक है। हॉगवर्ट्स गाइस, वी आर इन हॉगवर्ट्स, है हॉगवर्ट्स लेगेसी, क्या बात है, क्या एंट्रेंस है भाई गेम की, तालियां हो जाए एक बार, क्या एंट्रेंस है। मानो मानो बिल्ली से, हमारी बिल्ली हॉम से थोड़ी जलन मचने लग गई है। चार टाइप का खाना खाती हो एक दिन में, चार वैरायटी का खाना, जो तुम्हारे बाबा को भी नसीब नहीं होता है चार टाइप का खाना खाना एक दिन में, हमारी बिल्ली खाती है। और अब हम लोग पेट शॉप जा रहे हैं उसके लिए एक नया घर खरीदने को, जबकि उसके पास ऑलरेडी एक घर है और जो घर में जो प्रॉब्लम है वो छोटी सी है, दैट इज उसका पेच निकल गया है, उसके घर का एक जो स्क्रू था वो निकल गया तो वो ढीला हो गया, तो मैं बोला फंसा दो, नहीं इन दोनों को नया घर खरीदना उसके लिए। जिंदगी हो तो खोहम जैसी हो, वरना जिंदा तो डैमी की मम्मी के स्कैन ही नहीं रुक रहे हैं, जब से लॉटरी जीती है डैमी की मम्मी ने हर जगह स्कैन चालू है डैमी की मम्मी का, क्या पेमेंट करना है बताओ, सब दिला देंगे इसकी मम्मी अब। चश्मा पहनेगा तुम्हारा बाबा। मजा तो इन चश्मों में ही है, टूट भी जाए तो गम नहीं होता है, सौ सौ बाट के खूब पहने भाई है मैंने, अब तो फिर भी तुम्हारा बाबा। अरे यार एक तो ये लगाने में मेरी जान निकलती है हमेशा, पर मैं पेशेंस वैसे ही नहीं है मुझ में। अरे आई एम नॉट ब्रेकिंग इट, इंडिया में भी काफ़ी पहने मैंने सौ सौ रुपये के चश्मे, ये बॉर्नविटा वाले चश्मे, याद आ गई बचपन की। पर अब तो फिर भी तुम्हारा बाबा ब्रांडेड चश्मे पहनता है, क्योंकि अब तो चलो कमाने लग गए हैं, पर पहले तो भैया गर्लफ्रेंड भी होती थी स्कूल कॉलेज में तो भयंकर ये बॉर्नविटा वाले चश्मे पहन के जाते थे, भयंकर एकदम जाहिद खान बन के, लाइक दिस। कमेंट डाउन बिलो, कैप्टन व्योम लग रहा हूँ, नहीं लग रहा कैप्टन व्योम? व्हाट? डैमी की मम्मी को अभी ड्रॉप किया, जो उनकी लॉटरी लगी है उस चीज़ का एविडेंस और सारे डॉक्यूमेंटेशन ये सब होंगे, इसलिए मैं तुम लोगों को अभी मैं ज़्यादा शेयर कर रहा नहीं हूँ, अमाउंट आया नहीं है तो थोड़ा टाइम और लगेगा शायद, तो उसके बाद उसकी मम्मी पूजा वूजा जो करेंगी वो करेंगी और उसके बाद मैं रिवील करूँगा। तो अभी डैमी की मम्मी को ड्रॉप किया है, हम लोग जा रहे हैं कॉफ़ी पीने के लिए, क्योंकि मेरी कॉफ़ी के साथ जो लफड़ा हुआ है सुबह पहले, मेरी फेवरेट आंटी जो कॉफ़ी बनाती है इतनी बढ़िया कॉफ़ी बनाती है, उन्होंने क्या किया डैमी पीती है ओट मिल्क वाली कॉफी, और मुझे ओट मिल्क वाली कॉफी एकदम टट्टी लगती है। डैमी की कॉफी में से ओट मिल्क बचा था, उन मैडम ने हमारी कॉफी वाली आंटी जी ने ओट मिल्क मेरी कॉफी में मिला दिया कि चलो ठीक है बच गया है तो डाल देती हूँ, और मुझे बताया नहीं, और भाई मैंने ऐसी चुस्की मारी, और मुझे मैं मेरी कॉफी को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट हूँ, है ना, मुझे चाहिए सुबह पहले जो मैं पहली कॉफी पीता हूँ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, वरना मेरा मूड खराब हो जाता है, आई एम लिटिल बिट चूजी। कॉफी जैसी मैंने पहली सिप ली भाई मेरा मूड ऐसा खराब हुआ। पर अब जा रहे हैं कैफे, एक एक चुस्की मारते हैं कॉफी की, डैमी को मेरे को पिकअप करते हैं, अमाउंट एक दिन के अंदर ही आ जाता है वैसे तो। भैया हम लोग ऐसा ही करते हैं, बाइक लेके निकल जाते हैं और एकदम रैंडम कैफेज में जाके कॉफी पीते हैं। आजकल काफी कैफे एक्सप्लोर कर दिए हैं हमने, ये नया कैफे पहली बार हम जाने वाले हैं, तो ये नया कैफे मिला है हम लोगों को गूगल मैप्स पे, गूगल माता जी ने बताया कि एक और कैफे है तुम्हारे घर के पास तो जाके एक्सप्लोर करो, and that's what we are doing, let's see how it's gonna be. It's good to do cafe hunting, right? It's cool to do it. Hum bahut karte hain ye log weekends mein, itna karte hain hum log. Yeah, like bike is locked, let me check it again, ek bar check kar lete hain bhaiya. Danny ki mummy, ha chalo theek hai, lock hai, it's good. To yahan pe hum log lenge coffee aur iske baad milne jana hai hum logon ko hamari dost yog se, uske bare mein zyada detail nahi de sakta, bas ye samajh lo ki thoda uska दिन अच्छे नहीं जा रहे हैं उसके। अब मुझे पता नहीं है यहाँ का कल्चर कैसा है थाईलैंड का, दोस्तों में यारियों में, पर हमारे तो ऐसे होता है भैया कि दोस्त की कभी भी कोई सिचुएशन, ख़राब सिचुएशन जा रहा होता है या फिर कुछ भी यू नो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही होती है लाइफ में, तो
हम तो बिना बताए उसे घर पहुंच जाते हैं उसे बात करने के लिए, पर यहाँ पे पता नहीं है मुझे कैसा होता है, पर हम जा रहे हैं बिना बताए उसको कि उससे मिलने, उसका हाल चाल जानने। पता नहीं कैसा रिएक्शन मिलेगा, बट आई एम डूइंग माई पार्ट एज अ गुड फ्रेंड। You are talking about she pooped in the toilet, right? तो कल मैंने live stream end करी, I end my live stream around 2 a.m. right? And I went to the washroom to pee, and then I saw there is poop inside. I was like, what? Dammy didn't flush it? मतलब Dammy ने potty करी और flush नहीं किया. फिर I saw Khohom roaming around. I was like, shit, she pooped in our toilet. So how she pooped it? Like she did like that? I never told her dad. मैंने flush किया, भाई उन्होंने ये क्या है? So how she can poop? She is small. She will fall in, right? How she pooped? I saw some cat thing. Bye. अब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी ज़िंदगी हो चुकी है। ऑफिस जाओ, घर आओ, बिल्ली को खिलाओ, बिल्ली की टट्टी साफ करो और बिल्ली के लिए कुछ खरीदने जाओ। वो ही करने जा रहे हैं। मेरे ब्लॉग में भी दिख रहा होगा तुम लोगों को केवल कैट 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 ऑल द टाइम। यो, आई थॉट हु इज व्हाट इज इट इन माय एस? यू सी? मैं ऐसे बैठा और ये मेरे घुस रखा था अंदर। मतलब ये क्या चल रहा है भाई? गर्मी अंदर इतना ठंडा ठंडा हो रखा था इसी कार में, बाहर निकलते ही ऐसी गंदी गर्मी हो रही है भाई बैंकॉक में। तो प्लान है पहले ये अपनी बिल्लियों के लिए कुछ खाने को खरीदेगी। Khohom के पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें खाने को, उसके लिए एक छोटा सा बास्केट खरीदना है जिसमें उसको जब सलून ले जाएं नहलाने के लिए। तो हमने भी कुत्ते पाले हैं बचपन से, कितने इतना कभी नहीं किया हमने किसी भी हमारे पेट के लिए। ये लोग थोड़ा कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखते हैं, विच इज़ गुड। आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, इट्स गुड कि इतना ध्यान रखते हैं अपने पेट का, पर मैंने कभी नहीं किया। तो यहाँ पे इनका ये शॉप है पेट की, यहाँ पे अपने बिल्लियों के लिए योग्स खरीदेगी खाना और हम खरीदेंगे हमारी Khohom के लिए पोर्टेबल घर। आई थिंक ब्लू लुक्स गुड। हाँ, पिंक लुक्स लाइक फूड पांडा। या दिस वन लुक्स गुड, राइट? इज इट हैवी? ओके, योक्स माय गिफ्ट फॉर यू, यू वर्क इन फूड पांडा, सो माय गिफ्ट। Khohom, you still have to wear a helmet. And ready. Coke. I will provide a jacket for her. Food Panda delivery girl, Khohom. Huh? They transferred already. Mama took one, my dad didn't. You got the money, okay? Okay. Nice. How much? $370,000 370,000 What? You told me 300,000 baht. She told me that. So almost 400,000 baht. Shit. 4 lakh baht. इसकी मम्मी ने लॉटरी में जो, she got it in the bank already. Yeah. Nice. 400,000 baht. In India, it's like almost 10 lakh. भाई 10 lakh रुपए की लॉटरी लगी है इसकी मम्मी की. और आज डॉक्यूमेंटेशन पूरे किए इसके मम्मी ने, बैंक में ऑलरेडी ट्रांसफर हुए हैं, अभी हुए हैं बिल्कुल। $2,000 इसके मम्मी ने 2,000 का टिकट खरीदा और 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई। 100,000 शी कैन गिव। ओके 100,000 मेरे हो गए। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ 10 लाख रुपए की इसकी मम्मी की, 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी है इसकी मम्मी की। और पार्टी में क्या दे रही है इसकी मम्मी? फ्राइड चिकन और मछली। 10 लाख रुपए की लॉटरी और पार्टी में मछली खिला रही है इसकी। I was behind him, his mom was behind me, and then I turned as I go. सारा मेरे बच्चे के पीछे क्यों भाग रहा है? क्रीपी अंकल नहीं होता है बच्चों के पीछे भागते हैं, वैसे भाग रहा था मैं बच्चों के पीछे। मुझे लगा उसकी मम्मी है नहीं यहाँ के पास में। ये आ गया।